हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डीजे आर्मी सेटअप एंड लक्ष्मी कैबिनेट। दोस्तों, आप लोग ये भाई को आप लोग पहचानते होंगे कि ये और एक बार नहीं दो बार आ चुके हैं हमारे यहाँ, और इन्होंने ही जो है मिठाई का डिब्बा एक बार जिनका वीडियो मैंने पूरा अच्छी तरह से बंटी भाई बनाए हुए थे और इनका जो पूरा इंटरव्यू हुआ था, तो आज हम लोग भैया के ही जुबान से सुनते हैं कि आप यहाँ तीसरा बार जो आए हैं, ये क्या मतलब, क्या भरोसा लेकर यहाँ आए? तीसरा बार आए हैं तो भरोसा ही से आए हैं। हाँ। कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा अच्छा है, कैबिनेट मिलता है, कैबिनेट मिलता है, रेट भी अच्छा है। हाँ। तो सुने थे कि आप मतलब पहले आप 12 कितना का कैबिनेट लेके गए थे? 12-15 का, जितना भी मेरा पुराना माल है सब अच्छा, हटा रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मी कैबिनेट से सब नया नया लेते जा रहे लेते जा रहे हैं, ताकि यहाँ का कैबिनेट है बहुत, मतलब आप बहुत पुराने मतलब साउंड वाले हैं। ज्यादा पुराने नहीं है, मोटा मोटी फिर भी लगभग कितना होगा, 7-8 साल पुराना है। 7-8 साल मजाक थोड़ी नहीं है। हाँ, देखिए दामा साहब बंटी भैया भी जुड़ चुके हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मतलब मेरा ये कि भैया फर्स्ट में आए थे किसी के जरिए थ्रू से, हाँ, कि लक्ष्मी कैबिनेट में माल मिलता है, एक बार आप लेके देखिए, ज्यादा नहीं 2 पीस लेके देखिए। तो भैया बोला ठीक है, हम आते हैं, आके हम लेके देखते हैं। तो भैया आया, 2 पीस लेके गया, तो उसको बहुत अच्छा लगा, मिठाई का डिब्बा लेके आया। हाँ, देखिए फिर दूसरा बार माल लेके गया, तो ये तीसरा बार लेके जा रहा, समझ रहे ना? अच्छा, तो इतना ऐसा आप समझ लीजिए कि लक्ष्मी कैबिनेट में इतना भरोसा ये लोग जमा लिया कि आप कहूँ हमको जाने न, या कितनों भी लक्ष्मी कैबिनेट के बारे में कोई बुराई बोले, समझ रहे ना, कोई खराब बोले, या कोई कस्टमर लोग को गुमराह करे, तो मगर भैया लोग जान गया है कि भैया किसी का बोली पर नहीं जाना। जे हमको लिखित देगा 15 साल का गारंटी वो GST पेपर में, अब वीडियो ऐसे बना के माल देगा, हम उसी के यहाँ माल लेंगे। अच्छा, वो आपका थ्रू से भैया लोग का जानकारी हुआ, भैया लोग आके ले रहा। अब बाकी तो कुछ वीडियो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कहता है कि ऑफर कुछ दे रहा है, वो ऐसे कुछ दे रहा है, गुमराह करा ग्राहक लोग का। हम बोले ग्राहक बुड़बक नहीं ना, ग्राहक बुड़बक नहीं ना, बच्चा नहीं ना लेमचू चूसने वाला, वो तो बेचारा आ रहा है, उसका बच्चा लेमचू चूसने वाला उसका घर में खुद खेल रहा, वो 10 दुकान पता कर रहा जिसमें सस्ता पड़ रहा, गारंटी मिल रहा, प्लस कलरफुल डिजाइन वाला माल मिल रहा, इसी के लिए कस्टमर लोग आ रहा। अब बाकी का बकरा नहीं बकरा उसका खुद का ठिकाना न, और दूसरा से कंपेयर करने चल रहा, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। ग्राहक लोग खुद बोल रहा भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, आप लिखित दे रहे ना, वीडियो तो सबका देख रहे हैं, सब बोरा 1 महीना 2 महीना 3 महीना, भैया 1 महीना तो उसको तारू खरीदने में लग जाएगा। सही बात, बस समझ रहे ना। अभी डीजे भैया लिया, अभी इसको मशीन लगाएगा, ट्विटर लगाएगा, वगैरह वगैरह करते करते तो इसका 1 महीना ऐसे गुजर जाएगा, तो 1 महीना में क्या कर लेगा, क्या साउंड देखेगा? हम लक्ष्मी कैबिनेट का दावा 1 साल ने 2 साल ने 5 साल ने सीधा 15 साल का गारंटी है फुल। सही बात, और गारंटी ने गारंटी, माल में कुछ भी दिक्कत होता माल ला के वापस करिए, गाड़ी भाड़ा कंपनी तरफ से है, बाकी आप जो पूछना है पूछिए। तो जैसे कि आप अगले बार मिठाई लेकर आए थे, वो क्या खुशी से लेकर आए थे? खुशी हम इसलिए हो गए थे कि जो बजाए हम कैबिनेट का आवाज़ सुने, हमको अच्छा लगा, बेस ट्रेबल सब अच्छा निकला। 12-15 में आपको मन खुश कर दिया, मन खुश। अच्छा, जैसे आप बाहर से लिए थे कैबिनेट, जैसे कि आप कहीं से भी लिए, नाम तो नहीं लेंगे, है ना, जहाँ से भी आप लिए थे, वहाँ का यहाँ का कंपेयर में कैसा लगा? आसमान जमीन का फर्क रहा। उसमें क्या था और इसमें क्या है, आपको कुछ तो अंतर लगा होगा? अंतर क्या मतलब भाई, पीछे उसका बेस मार रहा था, झड़झड़ा रहा था। हाँ, जैसे कि आवाज उसमें आवाज भी बढ़िया नहीं हो रहा था, डालकम बजा रहा था, मतलब ऐसा आवाज नहीं, दम नहीं आ रहा कि दो चार अगर काम किए हैं तो तीसरा बार में आवाज गया। अच्छा, इसमें देखिए अभी तक आवाज अभी तो सही है। अच्छा, अब इस बार 12-15 लिया, फिर अभी 15-15 लेके जा रहे हैं, यहाँ से लेके जाके देख रहे हैं कि किस तरह किसका परफॉर्मेंस रहेगा। देखना ना, ये देख चुका है, इसलिए दोबारा भैया पहले देख चुका है, बोले ना फर्स्ट बार आया, सेकेंड बार आया, फिर थर्ड बार आ रहा, भैया खुद बोल रहा अपना, फिर आएंगे 2 दिन बाद, फिर आएंगे 2 दिन अठारह के लिए का सर्विस है, जैसे भैया को मिलता है महीना महीना में, तो लक्ष्मी कैबिनेट आ जाता है। अच्छा, तो बोल के जा रहा है, सर्विस है भैया का। तो भैया कहना है कि जितना भी मेरा माल था ना, जैसे 7 साल पहले हम लिए, धीरे धीरे सबको हम बेच रहे हैं और आपका माल हम घुसा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आप अभी बोले कि अभी मेरा मन करता है कि पूरा गोदाम को खेड़ दे ले, ये क्यों? ये
अच्छा लग रहा है यहाँ का आपका बोली जो बात करने का ही है बहुत अच्छा व्यवहार है, व्यवहार है अच्छा लगता है, थोड़ा सा भाईचारा जैसा है। बहुत जगह होता है कि ये वो चाय दे दिया किनारे पकड़ लिए, बोलने का भी ये नहीं है कि किस तरह आदमी पैसा लगा रहा है। सही बता, पैसा चाहे एक रुपया हो या लाख रुपया, पैसा पैसा होता है, मेहनत का कमाई है। सही बात, तो दो मेहनत का काम है दो बर्दाश्त नहीं करेगा बात। सही बात, नहीं भैया आप पैसा दे रहे हैं, पैसा दे के आप कहला बर्दाश्त करिएगा। सही बात, जहाँ अच्छा लगे, जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ से लेगा, पैसा दे रहा लग रहा है। यहाँ तो सब चीज से आप लोग का पूर्ति है, महाराज आएगा जरूर, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि जिस तरह का आप मिठाई लेकर आए थे उस दिन तो बंटी भाई थे, हम नहीं थे, आपका इंटरव्यू ले नहीं सके थे, लेकिन हमको बहुत खुशी हुआ था। बंटी भैया बोले कि भाई एक कस्टमर आया है जो कि मिठाई लेकर आया है, आप आइए और ये वीडियो को जरूर डालिए। हमको बहुत खुशी हुआ था उस दिन, हम कुछ देखा देखे कुछ नहीं, उसके नेक्स्ट दिन ही हम पहुँच गए थे और वीडियो को लिए हैं, और उसके नेक्स्ट दिन मतलब आपका वीडियो बना और उसका दूसरे तीसरे दिन ही आपका वीडियो अपलोड हो चुका था यूट्यूब पर, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा था। हमको खासकर बहुत अच्छा लगा कि यूट्यूब के माध्यम से कस्टमर खुश होकर और मिठाई लेकर आ गया, हमको बहुत अच्छा लगा था। खुद अभी देख रहे हैं कि कहाँ से आदमी आ रहा है। सही बात है ना, अभी देख रहे हैं तो आए आपका शायद चंद्रपुरा से, अभी पार्टी बहुत खुश हो गई है, पार्टी खुश हुआ तो हाँ, तो मैंने अभी वीडियो भी बनाया उसका हाँ, उसका भी वीडियो आ जाएगा। हम लोग बगल में ही बैठे हुए थे देख रहे थे। तो जैसे बंटी भैया का कहना है कि बाकी जैसे कस्टमर लोग है ना बाकी जगह जाता है गुमराह हो जाता है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, कैसा लगा? मेरे दोस्तों प्रिय भाइयों को कहना चाहूँगा इतना ही कि कहीं और ना जाए, यहाँ आए बंटी भाई पास, लक्ष्मी कैबिनेट के पास, बहुत ही अच्छा है, निकम के आगे बक्तम ने चलता, बहुत ही अच्छा है, एक बार आके मिले, जो भी देते हैं बोलते हैं गारंटी के साथ पेपर में लिख के, हाँ लिख के देते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बोल दिए नहीं, उसका आपका प्रूफ भी दे देंगे, ऐसा अगर डाउट लगता है तो आपका यहाँ आके कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास जाके साउंड सुन सकते हैं क्या है ना। देखिए यहाँ तो जैसे दुकान अपना दुकान का तरह दिख सुनाएगा, आप तो एक कस्टमर है, आप कस्टमर की तरह सुनाएंगे क्या? अगर ऐसा किसी को डाउट भी होता तो कस्टमर लोग खुद बोलते हैं आप जो यहाँ बजाते हैं ना तो थोड़ा तो लगता है कि यहाँ बज रहा, मगर वहाँ जाते हैं ना वहाँ तो लगता है कि डबल बज रहा। बोले हाँ भैया यहाँ इतना बड़ा गोदामे है ना कि लाइन हम लोग का पोल बहुत दूर से टाना हुआ, दूसरा जगह में क्या होता है कि दुकान तरफ घुमा के सुना दिया, इधर भी दुकान उधर भी दुकान, आवाज थोड़ा से भी देता है, फूल देता है, पूरा घूमता है, आदमी को लगता है कि साला कितना बड़ा घर में कितना नारियल फोड़ रहा, वो आवाज उससे भी आधा हो गया। सही बात, और कस्टमर लोग खुद यहाँ पे होता कि पूरा ओपन खुला हुआ है, आपका साउंड का पता चल गया किस तरह का साउंड निकल रहा है, वहाँ थोड़ा हल्का भी बेस खोलिया गया ट्रेबल खोलेगा तो बहुत ज्यादा आवाज आएगा, ऐसा चारों ओर घेरा हुआ। सही बात, यहाँ से खुलासा है, ये चीज बहुत जरूरी था और बहुत ही अच्छा लगा ये सब चीज जानकर। तो जिस तरह का आपने इतना भरोसा किया है ना, इतना विश्वास किया, इतना बंटी भाई को प्यार दिया है, तो देखिए और भी हमारे साथ कस्टमर जुड़ते जा रहे हैं, इन लोगों को भी वीडियो में आने का बहुत मजा आ रहा होगा। तो देख रहे हैं आपका नंबर आएगा है ना, ये माल ट्रेड करवाइए आप है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर पहुँचे, कोई कष्ट हुआ आने में जाने में? ना कष्ट नहीं, अब तो घर द्वार हो गया, घर द्वार हो गया, तो भैया वीडियो नहीं बनाने सके, लोकल है, बगल का है, भुली का है, ज्यादा दूर का है नहीं। भैया शुरुआत में जैसे आप आए थे तो ऐसे में कष्ट हुआ था क्या? ना कष्ट नहीं हुआ था, ये दोस्त के थ्रू आए थे, पता नहीं था पहले, एक दोस्त बताया यहाँ से माल ले गया था, वही बताया था, बता के थ्रू फिर हम अपना यहाँ बना लिया अपना, और अच्छा लगा नहीं? चलिए बंटी भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा कहेगा कस्टमर इतना खुश है, कस्टमर खुश भी है, हम गाड़ी चल गए थे सर्विसिंग करवाने के लिए, जो गाड़ी आप दिखाए थे वीडियो में, तो भैया आया सबको ठंडा वो पिलाया सब स्टाफ लोग को, अच्छा उसका वीडियो हम नहीं करने सके, कहा बार बार हम वीडियो करें। सही, फिर भैया जैसे हम लोग सेवा करते उससे ज्यादा भैया हम लोग का सेवा करता है। अब भैया सुबह आया 10 बजे, माल में थोड़ा दिक्कत था जैसे बना हुआ नहीं था, तो भैया बोला कि हम रुक जाएंगे, कितना बज रहा अभी 4 या 5? 5 बज रहा, 5 बजे तक अगर बैठा हुआ भी है एकदम आराम से कि माल हम लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे, कल हम नहीं आएंगे। बोले ठीक है भैया, जाली में यहाँ पे माल अच्छा, हम दोबारा दूसरा जगह क्यों जाएंगे? सही बात, रात में जाएंगे लेकिन जाएंगे। बोला भैया एक दिन कष्ट करेंगे सब दिन मलाई खाएंगे, भैया कहना नहीं समझे, जैसे हम बोले भैया माल नहीं है, माल में थोड़ा भी 3-4 घंटा लेट लगेगा तो माल आज नहीं देने सकेंगे, तो बोला भैया हम 4-5 घंटा का हम रात भर रुक जाते हैं, लेकिन माल आप हमको दीजिए, का एक दिन कष्ट करेंगे सब दिन
मलाई खाएंगे का ऐसा हमको कहूँ मिलिए रहा, कोई बोलिए रहा है कि 15 साल गारंटी। सही बात, इतना खूबसूरती भी है, डिजाइनिंग भी है, सस्ता भी अच्छा लगता है। यहाँ पे माल अच्छा, हम छुट्टी लेके छुट्टी लेके हम यहाँ आए हैं। अच्छा, आप बाकी जगह आप जाते होंगे तो गारंटी वारंटी किस तरह मतलब बोला होगा, या फिर लिए थे तो उसका गारंटी वारंटी किस तरह? गारंटी तो ऐसा हमको अभी तक नहीं मिला ऐसा। अच्छा, जो गारंटी मिल रहा है इससे आप लोगों को संतुष्टि कैसा लगता है? संतुष्ट देखिए, वो तो गारंटी के साथ जो देते हैं बंटी भैया तो खुश हो जाता है, भाई इतना साल का गारंटी है, अगर कुछ होता है तो कम से कम भरोसा बना रहेगा कि चल बंटी भाई को गारंटी मिला है तो उसको हम जाएंगे उनके पास सुनाएंगे भाई बंटी भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा तो अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम में है नहीं, जब तक बजा रहे हैं जब तक। जब भी आपको समझ में आता है गाड़ी में लोड करिए भेजिए, बाकी बंटी भाई समझेगा। सही बात है, अभी तक इससे एक भरोसा नहीं है। इससे तो 15 साल का जो गारंटी होता है ना, इससे एक भरोसा ये हो जाता है कि चलो जैसे भी मतलब कैबिनेट बजे कोई दिक्कत नहीं है। उस समय डर लगता है भाई अच्छा से पकड़ो तो ऐसा करो, उस समय के साल में अभी जो भी है 15 साल अभी रिलेशन बना हुआ है, 15 साल का जो गारंटी दिया है 15 साल अभी सब दिन रिलेशन रहेगा, रिलेशन बना हुआ है, झुकेगा ना, झुकेगा ना, सड़ जाएगा कैबिनेट मगर झुकेगा ना। टेंशन एक बार ऐसे ऐसे एक बार कर दीजिए, पूछ पा रहा है, झुकेगा ना। सही बात, चलिए बढ़िया है, आप उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बंटी भाई भी इतना अच्छा फीडबैक दिए आज कस्टमर को लेकर, कस्टमर जब भी बंटी भैया को लेकर, और ये चीज़ बहुत ही यूनिक रहा क्योंकि बंटी भाई बार बार बोलते हैं कि मैं खासी टाइम आता हूँ कस्टमर के साथ। ये बराबर कस्टमर के साथ आते नहीं, भले ही कस्टमर का वीडियो बना लेते हैं लेकिन कस्टमर के साथ फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, वीडियो अपना फेस नहीं लाते हैं। लेकिन इस बार देखिए कि बंटी भैया खुद कस्टमर के साथ, क्योंकि इसमें से बंटी भाई को खुशी मिला और कस्टमर को भी खुशी मिला, इस वजह से जो बंटी भैया हमारे जो है पूरा कस्टमर के साथ आज वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा इस बात को देखकर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो और बंटी भैया कुछ बोलना चाहते हैं? बंटी भैया को मैं बोलना चाहूंगा इतना ही कि इसी तरह से माल हम लोग को देते रहे, बस बस बस, और हम लोग बजाते रहे, बजाते रहे, बम बम रहिए। सही बात, जय हिंद जय झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद जय झारखंड, जय भारत। हे गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीजे आर्मी सेटअप एंड लक्ष्मी कैबिनेट। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आज जो मैं है लक्ष्मी कैबिनेट जाने का रास्ता दिखाने वाला हूं, जो कि इंदिरा चौक से है। आप लोग बहुत सारे जो दोस्त होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां कैसे जाना है, तो दोस्तों यहां से आप लोग देख सकते हैं कि यहां आपका चौक है। आप लोग को मैं चारों ओर दिखा देता हूं एक बार, देखिए यहां पे चौक है, ये चौक के सामने आप लोग को खड़ा होना है और यहां से आपको लक्ष्मी कैबिनेट का एक बैनर दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं कि लक्ष्मी कैबिनेट का एक बैनर दिखेगा यहां पे, और यहां पे देखिए जैसे कि यहां आपको ये देखिए चारों ओर, ये आपका पेट्रोल पंप के सामने हुआ और यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि एक चौक है, और चौक में आपको डायरेक्ट एक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये लक्ष्मी कैबिनेट करके लिखा हुआ है। आप लोग वहाँ पे ही वही जो रास्ता है उसी रास्ता में आप लोग को जाना है। तो दोस्तों अगर आपको पहचान नहीं पा रहे तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रिल दुकान भी दिखाई देगा, जैसे कि लोहा का गेट बन रहा है और साथ ही साथ सीमेंट का भी काम, जैसे कि फूल का गमला वगैरह बनता है सीमेंट वाला का, देखिए यहाँ पे आपको दिखाऊंगा जूम करके, ये देखिए सीमेंट वाला जो है काम होता है, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका इसमें, और वो आगे में आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे आपका लोहा का ग्रिल का गेट बनता है, इसी रास्ते में आप लोग को घुसना है। दोस्तों आप लोग अगर बैंक मोड़ देते हुए आ रहे हैं तो बाएं साइड में आप लोग को जाना है, देखिए बाएं साइड में आप लोग को देख सकते हैं कि बाएं साइड में आप लोग जाने का रास्ता है, यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, यहाँ से आप लोग इन कर सकते हैं। देखिए यहाँ लक्ष्मी कैबिनेट का बैनर रखा हुआ है और यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक टी दुकान दिखाई देगा, एक साइकिल का भी दुकान है, और इसी के बीच बीच में आप लोग को जाना है। यहाँ पे आपको पूरा एरो मार्क दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लक्ष्मी कैबिनेट लिखा हुआ है और साथ ही साथ एरो मार्क दिया हुआ है कि आप लोग को यही साइड में जाना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपका लक्ष्मी कैबिनेट और एक बैनर भी लगा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग जिस तरह के देख रहे हैं कि एरो मार्क दिया हुआ है और साथ ही साथ देखिए यहाँ लक्ष्मी कैबिनेट का और एक बैनर भी लगा हुआ है अपर साइड में, तो यहाँ से यही रास्ता से आप लोग को जाना है ताकि आप लोग जो है लक्ष्मी कैबिनेट ईजिली जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आपको धीरे धीरे लेते हुए जा रहे हैं लक्ष्मी कैबिनेट। आप लोग देख सकते हैं कि लक्ष्मी कैबिनेट जाने के लिए आप लोग को क्या क्या रास्ता का यूज करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ ये सिंपली मैंने इंदिरा चौक से दिखाया है, मैं और एक वीडियो दिखाऊंगा जहाँ बैंक मोड़ से आप लोग को कैसे लक्ष्मी कैबिनेट आना है, टोटल वहाँ का रिव्यू दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ कि देखिए यहाँ लक्ष्मी कैबिनेट का एक और एक बैनर लगा हुआ है, अंदर में भी एक बैनर लगा हुआ है। तो आप लोग को मैं बाहर से जब यहाँ से जूम करके दिखा दिया हूँ, अब देखिए यही रहा आपका लक्ष्मी कैबिनेट का गोदाम। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे लक्ष्मी कैबिनेट का गोदाम पहुँच चुके हैं, और अभी क्या है कि लक्ष्मी कैबिनेट का साइड बैनर आप लोग दिखा दे रहा हूँ, ये साइड बैनर है, ये अपर बैनर है,
अब जो है दोस्तों हम लोग लक्ष्मी कैबिनेट इन करने वाले हैं, तो आप लोग और ज़्यादा वेट मत कीजिए। बस यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल्स भी लिखा हुआ है। और देखिए ये रहा हम लोग ने लक्ष्मी कैबिनेट का गोदाम इन कर चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जैसे ही आप जाओगे वहाँ आपको गौ मिलेगा, जो कि देखिए यहाँ पे आपका गाय वगैरह भी मिल सकता है। और यहाँ पे रास्ते में जैसे आप जाओगे तो पहले गौ का दर्शन होगा, उसके बाद ही आप लोग लक्ष्मी कैबिनेट पे आप लोग पहुँच सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारा गाय रखा हुआ है, और यहाँ पे आपका लक्ष्मी कैबिनेट का यहाँ पे गौ सेवा होता है। तो ये भी चीज़ मैं आपको दिखा दिया हूँ दोस्तों। और आप लोग को यहाँ से अब दिखाने वाला हूँ जो कि बैनर की और अब मेरा कैमरा जाने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बैनर यहाँ लक्ष्मी कैबिनेट का बैनर लग चुका है, और यहाँ पे आपका यहीं से आपको लक्ष्मी कैबिनेट का गोदाम पहुँच गए हैं। तो दोस्तों यही है जो आपको लक्ष्मी कैबिनेट पहुँचाने का मेरा मकसद था, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बंटी भाई काम भी कर रहे हैं और मैं आपको गोदाम की ओर लेके जा रहा हूँ। और फिर मैं आप लोग से टोटल चीज़ जो है लक्ष्मी कैबिनेट के मालिक बंटी भैया से आप लोग से बात कराऊँगा कि बंटी भैया ये वीडियो क्यों बनाए हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो दोस्त होते हैं वो लक्ष्मी कैबिनेट आना चाहते हैं लेकिन कहीं और चल जाते हैं, तो उससे दिक्कत होता है, परेशानी होता है कस्टमर को। इसलिए मैंने इंदिरा चौक से एक वीडियो बना दिया है। और अगर बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे आगे आप तक मिल सके। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, अब बस हम लोग को और कहीं नहीं। देखिए ये अब गोदाम है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मी कैबिनेट के अंदर एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्पीकर रखा हुआ है और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि लक्ष्मी कैबिनेट के मंदिर में हम लोग आ चुके हैं। और ये रहा लक्ष्मी कैबिनेट का मंदिर, जो दोस्तों हर वक्त यहाँ पर आपका पूजा अर्चना और वगैरह वगैरह होते रहता है। और अगर आप लोग मंगलवार को आते हैं तो यहाँ आपका हरि कीर्तन भी होता है, आप लोग को यहाँ पे आइए और यहाँ का आनंद उठाइए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सारा चीज़ का व्यवस्था है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको कोई तरह का कैबिनेट स्पीकर कोई भी चीज़ का ज़रूरत है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ ताकि हम उस चीज़ का उपलब्ध करवा सकें और आपको हेल्पफुल हो। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग मंदिर आ चुके हैं। मंदिर के बाद अब हम लोग जाने वाले हैं गोदाम की ओर, तो गोदाम के ऑफिस में हम लोग अब जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि अब हम लोग गोदाम के ऑफिस पहुँच चुके हैं क्योंकि बंटी भैया आ चुके हैं, और हम लोग अब आपको डायरेक्ट बंटी भैया से बात कराएँगे। तो आप लोग गोदाम की ओर चारों ओर एक बार देख लीजिए कि गोदाम कितना भरा हुआ है, स्पीकर से, माइक से वगैरह हर चीज़ से, आपको टोटल सामान डीजे रिलेटेड आपको जो भी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट हो आप लोग यहां से ले सकते हैं। आपको कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि हम उस चीज़ का निवारण कर सकते हैं। और डायरेक्ट बंटी भैया से आप लोग को मुलाकात कराने वाला, तो बंटी भैया आप क्या बोलते हैं उसको जरूर सुनिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आप तक मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बंटी भाई हमारे यहाँ गोदाम के ऑफिस में है। तो बंटी भैया से एक दो सवाल करने वाले हैं आज ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बंटी भैया, जैसे कि कस्टमर दुकान को खोज कर नहीं मिलता है, तो इसके विषय में जैसे कि मैंने पूरा इंदिरा चौक से लेकर आपका गोदाम तक का वीडियो बना दिया है, तो इसको लेकर आप कुछ बोलना चाहेंगे कस्टमर को? क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे जो कॉल आया हुआ है जो कि इंदिरा चौक में जाकर खड़ा रह जाते हैं कस्टमर, फिर हमको वहाँ से लाना पड़ता है, तो इस वीडियो से क्या उनको फ़ायदा हो पाएगा? इंदिरा चौक आएगा पहले, झरिया इंदिरा चौक, इंदिरा चौक में गली में देखिए वो बोर्ड लगा हुआ, रोडे भी लगा हुआ, आप वीडियो किए हैं बाएं साइड में, वो गली में घुसेगा, उसका बाद आपको नजर आएगा गौ माता, उसका बाद हम लोग नजर आएंगे, मेरा वर्कर लोग नजर आएगा। सही बात, एकदम सिंपल सा है। लड़का लोग इसलिए आपको वीडियो बनाने बोले कि लड़का कस्टमर लोग आ रहा, आने वाला इंदिरा चौक खड़ा होने के बाद फिर चल जा रहा, कभी डिगवाड़ी चल जा रहा तो कभी बाजार चल जा रहा तो कभी कतरास मोड़ चल जा रहा, तो इंदिरा चौक आइए, आने के बाद देखिए बोर्ड लगा हुआ वो गली में, आप आ जाइए, ज़्यादा नहीं समझ में आता तो कॉल करिए, अब बाकी तो आप वीडियो कर लिए हैं। तो कस्टमर को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? कस्टमर का ही फायदा है कि जिसका लिए आया है वो मिलेगा, चलिए बस यही फायदा है। तो बहुत अच्छा लगा, और जैसे कि पूरा मैंने पूरा एक एक चीज़ का वीडियो बना ही दिया है, तो
कस्टमर को आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर फिर भी दिक्कत होता है तो वो लोग गूगल पे सर्च करेगा, आपको कॉल करेगा, नंबर दिया हुआ है, हाँ नंबर तो दिया हुआ है, टोटल से डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिल जाएगा, और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो गूगल में भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी आपको गूगल का मैप मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। हे गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि बंट भैया गौ सेवा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका मैंने वीडियो पूरा कैप्चर किया हुआ है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है एक गौ सेवा करने का, क्योंकि बहुत ही कम लोग इसका जो है गौ सेवा कर पाते हैं, और ये चीज़ बहुत ही कम लोग को सौभाग्य होता है कि गौ सेवा करने का। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बंटी भैया किस तरह गौ सेवा एक एक गाय का सेवा करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों और भी जो गाय है उतना मैं कैप्चर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं जितना सका अपने कैमरा पे उसका कैप्चर कर लिया, ताकि जो है आप लोगों को भी पता चले कि बंटी भैया जो कि है गौ सेवा भी करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि गौ सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो बंटी भैया के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आप तक मिल सके। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, और अगर अभी तक वीडियो को पूरा नहीं देखे तो शुरू से वीडियो को पूरा देखिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।